प्रिय विद्यार्थी साथियों, स्वागत करते हैं हम आपका आपके अपने चैनल हिंदी भाषा मंच पर। आज हम पढ़ेंगे विशेषण और उसके प्रकार। आ रहे हैं इसी प्रकार विशाल नदी, चौकोर मेज। विशाल और चौकोर हमें आकार का बोध करा रहे हैं। इसी तरह काला घोड़ा, काला शब्द हमें रंग का बोध करा रहा है। क्रोधित लोग, यह हमें दशा का बोध करा रहा है। मीठी लस्सी, मीठी शब्द हमें स्वाद का बोध करा रहे हैं। इसी प्रकार भारतीय किसान, भारतीय शब्द हमें स्थान का बोध करा रहे हैं। अतः ऐसे ही शब्दों को हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, आइए समझते हैं। बच्चों, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की संख्या का बोध हो उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पौधे पर 3 फूल खिले हैं, कुछ छात्र खेल रहे हैं। उपर्युक्त परिभाषा के आधार पर हम ये देखते हैं कि संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार हो जाते हैं। पहला, निश्चित संख्यावाचक, जिन शब्दों से हमें संज्ञा अथवा सर्वनाम की निश्चित संख्या का पता चलता है उन्हें हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 लड़के, 5 फूल। इसी प्रकार अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिन शब्दों से हमें संज्ञा अथवा सर्वनाम की निश्चित संख्या का पता नहीं चलता उन्हें हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ छात्र, थोड़े फूल। थोड़े और कुछ शब्द कहने से हमें निश्चित संख्या का पता नहीं चल रहा है, अतः ऐसे शब्दों को हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। प्यारे बच्चों, विशेषण का तीसरा प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण। बच्चों, जिन शब्दों से संज्ञा शब्दों की मापतौल, मात्रा आदि का बोध होता है उन शब्दों को हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बेटा 1 लीटर पानी लेकर आना, पिताजी 5 किलो आलू लाए हैं। इन वाक्यों में 1 लीटर, 5 किलो
परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। बच्चों, परिमाणवाचक विशेषण के दो प्रकार हैं। पहला, निश्चित परिमाणवाचक, जैसे 2 मीटर, 5 लीटर, 10 किलो आदि। दूसरा प्रकार है अनिश्चित परिमाणवाचक, जैसे कुछ मीटर, थोड़े लीटर, ज़्यादा आम आदि। प्यारे बच्चों, विशेषण का चौथा प्रकार है सार्वनामिक विशेषण। बच्चों, जब सर्वनाम विशेषण की तरह प्रयोग किए जाते हैं तो इन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है, जैसे उस लड़के को बुलाओ, वह लड़की अच्छा नाचती है, यह मेरा घर है। बच्चों, जब संज्ञा या सर्वनाम के ठीक पहले एक और सर्वनाम शब्द आता है तब वह विशेषण का रूप बन जाता है, तब हम उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण में लड़के के पहले उस, लड़की के पहले वह और मेरा के पहले यह लगा है, ऐसे ही शब्दों को हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। वीडियो हमारा पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।